आज हम बेटा टाइप नंबर 7 करेंगे। टाइप नंबर 7 में क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं दी हुई है, लेकिन हमें क्या है इसमें कुछ लेट मान के, सपोजिशन मान के हमें क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, जिससे कि हम सॉल्व कर सके। जो हमने तीन मेथड सीखे उनमें से किसी एक से, या तो सब्स्टिट्यूशन से, या एलिमिनेशन से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। आज के ये सारे क्वेश्चन मैं केवल आपको इक्वेशन बना के दूंगा, होमवर्क में आपको क्या करना है। ये टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 8। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, 8 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपको क्या करना है, पहले 2 क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन मेथड से करने हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन कराया, तो पहले 2 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से करने हैं, फिर आगे के 3 क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन से करने हैं, और फिर आगे के 3 क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने। मैं आपको सॉल्व करके नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं सॉल्व करना सिखा दिया है। यदि किसी बच्चे को नहीं आया है सॉल्व करना, तो वो पुराने टाइप देखकर सब्स्टिट्यूशन के लिए वो टाइप नंबर 4 देख सकता है, और एलिमिनेशन के लिए टाइप नंबर 5, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए टाइप नंबर 6। अगर वो देख ले तो फिर दोबारा से समझ में आ जाएगा। मैं केवल आपको इक्वेशन लीनियर फॉर्म में बनाना सिखाऊंगा आज। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है जो कि लीनियर नहीं होता, तो अब हमें इसे क्या करना है, रिड्यूस करना है किसमें, लीनियर में। तो देखो ध्यान से, इसमें देखना क्या है बेटा हमें, कि हम किस चीज को लेट माने जिससे कि हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर में चेंज हो जाए। देखिए यहां पे 1/x आ रहा है, इसमें भी 1/x आ रहा है, इसमें 1/y आ रहा है, इसमें भी 1/y आ रहा है। तो यदि इस चीज को देखकर हमें एहसास हुआ कि यदि मैं लेट मान लूं 1/x को u मान लिया, मान लीजिए, और 1/y को मैंने v मान, अब ये तो नहीं है कि x और y ही वेरिएबल होता है, u भी वेरिएबल हो सकता है। अगर मैंने 1/x को हमने u माना है, तो देखिए ये इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी हमारी, ये बन जाएगी हमारी 1/2, 1/x को u मान लिया तो u पहुंच गया ऊपर, 1/3, 1/y को हमने v मान लिया तो ये बन गया v। ठीक है बेटा, इक्वल टू, अभी भी ये बढ़िया वाली लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो आपको पता है एलसीएम ये फ्रैक्शन वाली आ गई। मैं क्या करता हूं, नीचे वाले का मल्टीप्लाई है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई है 3u + 2v = 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3u + 2v = 2 है। ये अब बन गई मेरी लीनियर इक्वेशन। इसी तरह सिमिलरली आपको ये सेकेंड इक्वेशन को भी इसी तरह करना है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन, इसमें 1/x को u माना है तो ये बन गया आपका 1/3u, ये 1/2 को माना है तो 1/2v = 13/6। फिर से वही भिन्न में आ रही है, तो क्या करता हूं मैं, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 2u 3v = 13/6। अगर मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ठीक है, और नहीं तो मैं बेटा 6 से इस, ये जो 6 है ना, क्योंकि इससे ये कट रहा है, तो मैं अगर इसको ऐसे ले जाऊं 2u + 3v, ये 6 से डिवाइड में है, यहां पे गया तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 6, और ये जो 6 है ये नीचे वाले 6 से कट जाएगा। इक्वेशन बढ़िया वाली बन गई आपकी, ठीक है। और अगर कोई बच्चा इस वाली बात को ना समझ पाए तो 6 से इसे मल्टीप्लाई कर दे, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, तब भी वो इक्वेशन आंसर सेम देगी, ठीक है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी बस। अब देखिए जरा इस सेकंड क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 1/√x भाई, यहां 2 आ रहा था, यहां 4 आ रहा था, ये नहीं मैं 2/√x को मान लू u, मैंने क्या किया, क्योंकि देखो 2 को मैं लिख सकता हूं 2 × 1, तो 1/√x को मैंने u मान लिया, इसको 4 को लिख सकता हूं 1 × 1, तो 1/√x को मैंने क्या मान लिया, u, तो ये बन गया मेरा 2, और 1/√x को माना है तो u ये बन गया, ठीक है। इसे देखो 3, लेट लिख देता हूं बेटा मैं, 1/√x को तो बेटा मैंने u माना है, 1/√y को मैंने v माना है, तो ये बन गया 3v = 2। ये तो अपने आप में पहले से ही सिंपल इक्वेशन दे रखी, ये देखो ये बन गई 4u - 9v
दोनों इक्वेशन बढ़िया दे रखे हैं। जब आप इन दोनों को उन तरीकों से सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपको यू और वी की। किसकी वैल्यू आएगी? यू और वी की। जब यू और वी की जो वैल्यू आएगी, यू की जगह यहां पर और वी की यहां पर, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तब जाके हमें एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त होगी। हमें तो इन क्वेश्चनों में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, यू और वी पे मत छोड़ देना। अभी मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दूंगा पूरा। चलिए अब देखिए, पहले इक्वेशन बनाना सीख लें हम, क्योंकि बहुत से बच्चे लेट भी नहीं समझ पाते किसको लेट माने, जिससे कि आसान काम हो जाए। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 1/x को यदि मैं u मान लूं, देखो ये भी 1/x आ रहा है, तो ये बन जाएगा, लेट मान लिया मैंने 1/x को u, तो ये बन गया 4u। अब ये बढ़िया है ये, तो इसे बेकार मत बना देना, कहीं इसको भी लेट मान के और बेकार बना दो। जब ये बढ़िया है तो इसे बेकार नहीं बनाना, इसको ऐसे ही रहने दो। इसे देखो, ये 3u - 4vy = 0। ये तो बढ़िया इक्वेशन हो गई, ये बढ़िया नहीं है। तो ये दो टर्म आ रहे हैं, ब्रैकेट लगाना अनिवार्य। जब 6 का क्रॉस करेंगे तो ये 24u = 18y = 30। कोई बात नहीं, u और y तो वेरिएबल ही है, x y की तरह बिहेव करेंगे, आप टेंशन नहीं लेना। सॉल्व करेंगे इस इन दोनों इक्वेशन को तो u और y की वैल्यू आ जाएगी। जो u की वैल्यू आएगी उसे यहां पे रख देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू तो y है ही है, ठीक है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों को चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए इससे, इसके बाद देखिए, इसमें भी x माइनस वन आ रहा है, इसमें भी x माइनस वन आ रहा है, लेकिन मुझे इसे ऊपर पहुंचाना है, तो 1/x - 1 को मैंने मान लिया u। अब देखो इसमें भी y-2 आ रहा है, इसमें भी y-2 आ रहा है, तो 1/ ले लेता हूं, 1/y - 2 को मैंने मान लिया बेटा v। तो देखो ये बन गया 5u, ये केवल v, क्योंकि v इंटू 1 वाला, तो मल्टीप्लाई करके उतना ही आएगा, = 2। ये बन गया 6u - 3v = 1। अब इसको बढ़िया तरह लिख दो, 5u v = 3, ये बन गया 6u - 3v = 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, u और v की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू यहां पर और v की वैल्यू यहां रख देंगे, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई बहुत कठिन नहीं है, सॉल्व करना तो आप सबको आ ही गया है। जब आपको सॉल्व करना आ गया, अब देखिए बेटा फिफ्थ वाला देखते हैं, इसमें क्या चीज कॉमन आ रही। अब इसमें देखा ये x y, अरे बड़ा अजीब सा आ रहा है, इसमें तो हम ये भी नहीं कर सकते, 1/xy को ले लो, लेकिन फिर x और y ये दोनों अलग अलग भी हैं। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई किया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, 7x/xy - 2y/xy, एक्स वाई को मैंने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो आपको दिख रहा होगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 7/y बन जाएगा, ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/x बन जाएगा। सिमिलरली इसमें किया मैंने डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये 8x/xy बन गया, ये बन गया मेरा 7y/xy बन गया और = 15। अब यहां पे x कैंसिल आउट हो गया, तो 8/y, ये y कैंसिल आउट हो गया, तो 7/x = 15। बताओ, बात समझ में आ गई। अब इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें क्या है, x पहले आ रहा था y बाद में, पर क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ गया भाई। तो हमने क्या किया, कोई बात नहीं, अब इसमें y पहले आ रहा है, x बाद में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा u v उसी सीक्वेंस में मानो, उल्टे सीक्वेंस में भी मान सकते हो। तो 1/y को तो मैंने u मान लिया, 1/x को v मान लिया, तो ये बन जाएगा मेरा सिंपल सा 7u - 2v = 15। बढ़िया इक्वेशन बन गई। इसे देखो ये क्या बन जाएगी मेरी, इससे कंफ्यूज ना हो, ये देखो ये वाली, ये बन जाएगी 8u - 7v = 15। वही सेम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, u और v की वैल्यू आ जाएगी, जब u और v की वैल्यू आ जाएगी उसे यहां रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है केवल, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए सिक्स्थ वाला देखिए, अब सिक्स्थ वाले में क्या किया, फिफ्थ वाले से और भी अलग कर दिया उसे, कोई नहीं। अब हमने क्या किया,
हमने सिक्स फिफ्थ वाला देखा था ध्यान से, इसमें एक्स वाई नीचे आ रहा था, इसमें एक्स वाई इधर कर दिया। अगर मैं इसमें एक्स वाई को नीचे कर दूं तो क्या ये क्वेश्चन मेरा फिफ्थ वाले जैसा नहीं हो गया? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा, सेम फिफ्थ वाला जैसा हो गया कि नहीं, सेम कंडीशन। अब उसके बाद जैसे फिफ्थ वाले में किया, सेपरेट कर दो, एक्स वाई इसके साथ भी आएगा, एक्स वाई इसके साथ भी आएगा, इक्वल टू सिक्स। इधर टू एक्स, एक्स वाई इसके साथ भी आएगा और एक्स वाई हमारा इसके साथ भी आएगा। एक मिनट, सॉरी, फाइव को मैंने वहीं पे छोड़ दिया था, केवल एक्स वाई को लेके आया था, तो फाइव को रहने दो, ठीक है ना, एक्स वाई। अब देखिए ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो सिक्स अपॉन वाई हो गया, ये थ्री अपॉन एक्स हो गया इक्वल टू सिक्स, टू अपॉन वाई हो गया, फोर अपॉन एक्स हो गया इक्वल टू फाइव। बात समझ में आ गई होगी, लेट मान लूंगा वन अपॉन वाई को यू मान लिया और वन अपॉन एक्स को मैंने क्या मान लिया बेटा, वी। तो ये बन गया सिक्स यू थ्री वी इक्वल टू सिक्स, ये बन गया टू यू प्लस फोर वी इक्वल टू फाइव। इसके बाद सिंप्लीफाई करूंगा, यू और वी की वैल्यू आ जाएगी मेरी, ठीक है बेटा। देखिए आगे, देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अब इसको जब हमने ध्यान से देखा तो देखो इसमें x प्लस वाई आ रहा है, लेकिन नीचे आ रहा है x माइनस वाई आ रहा है, इसमें x प्लस वाई आ रहा है, इसमें x माइनस वाई आ रहा है। तो हमारे लिए ये पता पड़ा कि यदि मैं वन अपॉन एक्स प्लस वाई को u मान लूं तो ये ऊपर चला जाएगा, और वन अपॉन एक्स माइनस वाई को v मान लूं तो बढ़िया रहेगा। तो ये बन गया मेरा टेन यू टू वी इक्वल टू फोर, ये बन गया मेरा 15u माइनस 5v इक्वल टू माइनस टू। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, u और v की वैल्यू आ जाएगी, u और v की वैल्यू यहां रखेंगे, जब यहां वैल्यू रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन x और y में आ रही है, x और y में आ रही है, तो फिर दोबारा से या तो एलिमिनेशन लगा देना या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या आपका सब्स्टिट्यूशन, तब जाके आंसर आएगा। मतलब दो बार लगाना पड़ेगा इसमें, एक बार तो इसमें लगाना पड़ेगा, फिर दोबारा जो जब वैल्यू रखेंगे तब भी लगाना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चनों में क्या हुआ था बेटा, जो वैल्यू रखी थी हमने तो केवल जो आंसर है वो डायरेक्ट एक्स या वाई की वैल्यू आ गई थी, इसमें आंसर में जो है एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी, इसमें एक्स माइनस वाई की वैल्यू आएगी, तो जब उसे फिर दोबारा से हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले तरीका लगाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर एट में भी कुछ इसी तरह का सीक्वेंस है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर एट में पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इसको, देखो ध्यान से, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई, इसको मैंने मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने, यू। अब देखो इसमें वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई, इसमें वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई, इसको मान लिया मैंने वी। अब देखो ये यू हो गया मेरा, ये वी हो गया। अब अगर मैं इसमें इक्वेशन बनाऊं तो ये बन गई u प्लस वी इक्वल टू थ्री अपॉन फोर, ये वाली बन गई वन अपॉन टू यू प्लस वन अपॉन टू वी इक्वल टू माइनस वन बाई एट। अब देखो ये अच्छी इक्वेशन नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, इसमें हमने दो टर्म में ब्रैकेट लगा दिया, अगर फोर से क्रॉस करेंगे तो फोर का मल्टीप्लाई u के साथ भी, फोर का मल्टीप्लाई v के साथ भी होगा। इधर देखा हमने एलसीएम लिया, टू टू जब फोर हो गया, टू यू प्लस टू वी इक्वल टू माइनस वन अपॉन एट हो गया। अब फोर को हमने क्रॉस कर दिया इधर, टू यू प्लस टू वी इक्वल टू माइनस वन इंटू फोर हो गया, ठीक है, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, फोर से टू कट गया, एट कट गया टू टाइम्स, तो ये बन गई इक्वेशन टू यू प्लस टू वी इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, अभी भी बढ़िया। तो वही दो टर्म आ रहे हैं जैसे यहाँ पे आ रहे थे, तो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। अब जब टू का इधर क्रॉस करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी, एक मिनट बेटा, इसमें ना ये सेम नहीं है दोनों, ये जो है यहाँ पर माइनस का साइन है तभी बनेगा, माइनस का साइन है इधर, तो ये बन गया ये माइनस का साइन, ये बन गया हमारा माइनस का साइन, इधर भी माइनस का साइन और इधर भी माइनस का साइन। अब देखिए ये बन गया हमारा, इधर क्रॉस करेंगे तो 4u माइनस 4v इक्वल टू माइनस वन,
ठीक है, ये दो इक्वेशन तैयार हो। क्यों, अब हमें पता कैसे पड़ा कि भाई हम माइनस हम मतलब सेम नहीं हो सकता। अब आप ये सोचो, एक बार तो ये कह रहा था 4u + 4b को प्लस करके 3 आ रहा है, एक बार कह रहा है अगर बाई चांस इधर प्लस ही होता तो एक बार कह रहा है 4u + 4b = -1, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई प्लस सेम चीज को प्लस करके 3 भी आ रहा है और सेम चीज को प्लस करके 1 भी आ रहा है। तो इसलिए यहां पर कोई ना कोई दिक्कत होनी चाहिए थी, वो हमें पता पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में माइनस साइन लग रहा, हमने गलती से उठा लिया था। तो समझ में आ गया नहीं आ गया? अभी ये नीचे वाला नहीं दिख रहा, नीचे वाला देखिए, ये देखिए, ठीक है बेटा देख लीजिए, ये हमने 2 से इसका मल्टीप्लाई किया 4, 2 से मल्टीप्लाई किया -4 और दिस इज -1, ठीक है बेटा अब दिख रहा है पूरा। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में दोनों में दो बार लगाना है मेरे। तो सबसे पहले इसमें हम u और v की वैल्यू निकालेंगे, u और v की वैल्यू इसमें रखेंगे, फिर दोबारा से कोई ना कोई मेथड लगाएंगे। तीनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है आप वो लगा सकते हो, यदि उसने पूछा नहीं है तो। अगर उसने क्वेश्चन में ये कह दिया कि इस मेथड से करो तो फिर तो बेटा हमें उसी मेथड से करना पड़ता है। इक्वेशन उतार लेता हूं बेटा मैं पीछे, 4u + 4b = 3, 4u + 4v = 3, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बेटा मेरी है 4u - 4v, 4u - 4v = -1, ठीक है। और ये भी चलो लेट की जब जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। अब देखिए बेटा, अब हमने क्या किया, मान लीजिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहा हूं तो यहाँ u आ जाएगा, यहाँ v आएगा, यहाँ वहां x आता था, y आता था, कॉन्स्टेंट आता था। अब लेकिन पहले इसको इधर लेके आएंगे, देखो ये प्लस का 3 है, इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, इसको इधर लाऊंगा तो ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जब भी करता हूं कब करता हूं, जब RHS में 0 हो। तो मैंने वहां पे x आता था तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने u, वहां पे y आता था यहां पे v लिख दिया, यहां कांस्टेंट की जगह 1 ही लिखना है, मैंने हमेशा के लिए बताया आपको, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगाया अपना प्यारा वाला, ये हमने डंडे लगाए। अब देखिए u का नंबर है तो u तो आ नहीं सकता भाई, क्या क्या आएगा, 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 3 आएगा, प्लस का 1, पड़ोसी उतारना है, माइनस का 3 1, पड़ोसी उतर गया। अब देखिए v आ गया तो v तो आना नहीं है, 3 माइनस का 3 और 1 आ चुका है तो क्या बचा मेरा, 4 और 4, पड़ोसी उतारो 4 का 4। अब देखिए कांस्टेंट आ नहीं सकता, 4 और 4 आ चुका है तो क्या बचा है, 4 और -4। अब मैंने अपना सिंप्लीफाई किया, अब मेथड आप सबको आ गया होगा, अब मैं एक दो स्टेप पूर्ण करते थे, ठीक है बेटा। तो हम क्या करते थे, फर्स्ट वाले के टॉप से मल्टीप्लाई करते थे तो 4 बन जा 4, माइनस साइन आता था फॉर्मूले का। अब देखिए माइनस 4 का माइनस 3 से करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा प्लस का 12। इधर देखिए फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट के टॉप मल्टीप्लाई किया माइनस 12, माइनस साइन मेरा फॉर्मूले का आता, 4 बन जा 4। इधर देखिए 4 का माइनस 4 से किया माइनस 16, माइनस साइन मेरा फॉर्मूले का आता था, 4 4 जा 16। अगर इस माइनस साइन को फॉर्मूले वाले को भूल गए, क्योंकि 90% बच्चे मेरे भूल जाते हैं, ठीक है बेटा, तो फिर मामला खराब हो जाएगा, तो इसलिए इसको ना देखें, ये बेकार चीज है, ठीक है। अब देखो ये मेरा हो गया u अपॉन माइनस का 8, ये हो गया v अपॉन माइनस माइनस 16 एंड दिस इज माइनस 32। अब मैंने फर्स्ट को थर्ड के बराबर रखा, अब मेथड तो सभी को याद हो गया होगा, कल करा चुका हूं मैं। और इधर हमने क्या किया, सेकंड को थर्ड के बराबर, इसमें u इक्वल टू निकालना है हमने, तो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 हो जाएगा बेटा, इधर डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में गया, 1 के साथ होगा तो ये हो गया मेरा। अब देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें माइनस से माइनस, 8 से कट जाएगा 1/4, इधर v इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, ठीक है बेटा। अब देखो
यू की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई, ये नहीं कि क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इस यू और वी की वैल्यू को मुझे वहां पर रखना है जहां पर मैंने लेट माना, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे वो यू और वी की वैल्यू नहीं पूछ रहा था कि मैं खुश हो जाऊं कि मैं यू और वी की वैल्यू निकाल दी मैंने। हमें तो क्वेश्चन में उसने ये पूछा था भाई एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। जब उसने एक्स और वाई की वैल्यू पूछी थी तो बेटा हम क्या करते हैं, 1/4, 1/2। देखिए आपको पता पड़ गया यू की वैल्यू 1/2 आ गई है हमारी, वी की वैल्यू 1/4 आ गई है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, गलत हो गया। देखिए यू की वैल्यू आई है हमारी 1/4, अभी पूरा गलत हो जाता हमारा, और जबकि वी की वैल्यू आई है 1/2, ठीक है। इसलिए हमेशा जब भी पेज बदलो तो हमेशा चेक कर लो कि कहीं कोई गलती तो नहीं। अब देखो मैंने लेट क्या माना था उसे याद करो। लेट देखो, लेट हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने लेट लेट माना था 1/3x + y को, बेटा मैंने u माना था, और 1/3x - y को मैंने क्या माना था बेटा, v। इनसे काम चलेगा। अब हमने देखा u की जगह वैल्यू रख दी 1/3x + y, इधर v की जगह रख दिया 1/3x - y। जब लेट माना है तो रखना पड़ेगा। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 × 4 दिस इज 3x + y, और ये 2 × 2 दिस इज 3x - y। अब देखिए ये डायरेक्ट हमें x और y की वैल्यू नहीं दे रहे, अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। अब इसके बाद आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेथड आप लगाओगे उसके बाद आपको आंसर प्राप्त होगा। तो देखते हैं, हम लगा देते हैं इसमें, लिखते हैं इक्वेशन को पहले अच्छी तरह, 3x + y = 4, और दिस इज 3x - y, ये वाली इक्वेशन इक्वल टू। देखो बेटा इसमें x मेरा पहले से ही सेम आ रहा है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करूं, इसे 1 से करूं, तो मेरा x कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसमें ये नहीं है जबरदस्ती मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और अगर मैं y को देखने लग जाऊं, अगर मैंने y को देखा तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं तो ये कट ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन को आपस में प्लस कर दिया, एड कर दिया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो 3 × 3 = 6 हो जाएगा, ये प्लस का और माइनस का कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये x = 6/6 हो जाएगा, x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई मेरी कितनी, 1। अब इस 1 को किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें चलो मैं फर्स्ट में रख देता हूं। अगर मैंने इसमें x की जगह 1 रख दिया बेटा तो ये 3 × 3 हो गया। अब बताओ ये प्लस का 3 है, अगर ये RHS में ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन यही था कि x की और y की वैल्यू निकालनी थी। तो ध्यान रखें इस बात का विशेष रूप से कि हमें किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं है कि यहीं तक छोड़ दो, u और v निकल गया खुश हो जाओ टेंशन खत्म। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो जब भी किसी क्वेश्चन में लेट मानते हैं मैथ में, कभी भी हर एक क्वेश्चन में हर एक टॉपिक में लगा, तो ये मान के चलो उसकी वैल्यू उसमें रखनी ही पड़ती है जब ही जाके आंसर आता है। चलो थैंक यू बेटा। अभी हाँ टाइप नंबर 2 रह गया बेटा, टाइप नंबर 2 के लिए लगभग 90% तैयारी हो चुकी है, ठीक है। बहुत बड़ा टाइप आ रहा है, करीबन मुझे लग रहा है 1.5 घंटे से भी ज्यादा का बैठेगा वो, तो इसलिए हो सकता है उसे हम 2 या 3 पार्ट में ब्रेक कर दें, क्योंकि इतना बड़ा डाउनलोड नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है। तो हो सकता है 3 पार्ट में 4 पार्ट में जितने पार्ट में ब्रेक हो जाएगा डाउनलोड होने के लिए, उतने पार्ट में ब्रेक करके कल की क्लास में उस पूरे टाइप को करा देंगे, ठीक है। 4 वीडियो हो सकती हैं, 3 वीडियो हो सकती हैं, तो आराम से आप देख लें, ठीक है। थैंक यू बेटा।